लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। दुनिया भर में हाहाकार मचा चुका कोरोना वायरस का कहर अब भारत में भी साफ नजर आ रहा है। भारत में इस खतरनाक वायरस के संक्रमण में अब तक 400 से ज्यादा लोग आ चुके हैं, वहीं 8 व्यक्तियों की इस वायरस से मौत हो चुकी है। बहरहाल बता दें कि इस वैश्विक महामारी से बचने के लिए भारत सरकार सख्त कदम उठाते हुए नजर आ रही है, साथ ही केंद्र सरकार ने भी देश के कई राज्यों में लॉकडाउन का ऐलान किया है। बता दें कि देश में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे ने भी सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार सभी यात्री रेल सेवाओं के संचालन को 31 मार्च तक बंद करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा स्टेशनों पर यात्री भार और अधिक आवाजाही को रोकने के लिए नई शुरुआत की है। जानकारी के अनुसार यात्रियों को अब कैंसिल टिकट के भुगतान के लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा। हाल ही में उत्तर पश्चिम रेलवे ने सभी मंडलों को आदेश दिया कि अब यात्रियों को कैंसिल टिकट का भुगतान यात्रा की तारीख से लेकर 3 महीने तक करना पड़ेगा। बता दें कि पहले ये टिकट निरस्त का भुगतान 72 घंटों के भीतर किया जाता था। उत्तर पश्चिम रेलवे ने कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए ये कदम उठाए हैं। सावधानी बरतते हुए कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। वहीं रेलवे ने कई राज्यों में प्लेटफॉर्म टिकट के दामों में भी बढ़ोतरी की है।